हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं अपना गॉस थ्योरम का नेक्स्ट टॉपिक। इसके अंदर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम समझने से पहले आपको तीन तरह की डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की उसके कैपेसिटी के हिसाब से होगा। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर किसी ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसमें आप जाके देखिए। ठीक है, वहाँ पर मैंने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूरा बता रखा है। तो ये छह एप्लीकेशन होती हैं। छह एप्लीकेशन के अंदर हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे दो एप्लीकेशन कवर करेंगे, उसके नेक्स्ट वीडियो में, फिर दो उसके नेक्स्ट वीडियो में, फिर इसके बाद हम चलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पास। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये सारे टॉपिक जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही है। ठीक है, तो सबसे पहले आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्टेट वायर। एक कोई स्टेट वायर रहना है हमको सीधा सीधा, उसके ऊपर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है बाई गॉस थ्योरम। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के थ्रू। दूसरा आया हमारा चार्ज शीट। तो हम पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर। ठीक है, तो सपोज किया हमने यहाँ पर कोई, हमने एक स्ट्रेट वायर लिया, ये कोई वायर है। ठीक है, अब इसके ऊपर हमको क्या करना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये चार्ज नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज हमको देना है। ठीक है, तो हम पॉजिटिव चार्ज देंगे। ठीक है, इसके ऊपर क्या है ना, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, क्योंकि इसके लाइन के ऊपर फैलेगा। ठीक है, ये एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो इसके वायर के ऊपर हो गया है। वायर जो है देखिए इन्फिनिटी लेंथ का लेते हैं, ठीक है, फाइनाइट लेंथ का भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इन्फिनिटी लेंथ का लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि देखिए इस चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो किस वजह से हुआ, किस सरफेस पे हुआ, यानी कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर। क्लियर, अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। अगर कोई स्मॉल एलिमेंट के लिए लेंगे तो हम क्या करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल ले लेंगे। ठीक है, अब बाय द सिमेट्री चार्ज इसके ऊपर जो फैला है तो चार्ज किस सरफेस पर फैलेगा, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया के ऊपर फैलेगा, ये इसके बाहरी सरफेस पर फैलेगा। ठीक है, आउटर सरफेस पर फैलेगा, तो आउटर सरफेस क्या होता है, सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम यहाँ पर कितना लेंगे, ट्वाइस बाई आर एच, हम पढ़ के आए हैं, एच भी ले सकते हैं, एल भी ले सकते हैं, कोई भी बाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ले लिया सपोज किया ट्वाइस बाई आर एच। ठीक है, अब देखिए इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस वायर के ऊपर क्या होगा, एक गॉसियन सरफेस बन जाएगा। कौन सा सरफेस बनेगा, गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब गॉसियन सरफेस जो होगा वायर किसके सिमेट्री होता है, इनके सिलेंडर की सिमेट्री। तो गॉसियन सरफेस कैसा होगा, बाई सिलेंड्रिकल। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फ्लक्स निकलेगा इसके अंदर से वो कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। यानी कि कैसा निकलेगा फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स होगा, आउटवर्ड फ्लक्स। ठीक है, सब अब देखिए इस वायर की वजह से हमने क्या किया, यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल शेप बना लिया। ठीक है, क्योंकि सिलेंड्रिकल होता है वायर जो होता है, कैसा सिलेंड्रिकल होता है, सिमेट्री सी कैसी होती है वायर की, सिलेंड्रिकल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक, अब सपोज कि हमने यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस जो होगा इमेजिनरी होगा, तो हम इसको इमेजिनरी दिखा देते हैं। ठीक है, चाहे तो डॉटेड डॉटेड दिखा दें या फिर पूरा का पूरा प्लेन बनाकर दिखा दें। ठीक है, ये हमारा सिलेंड्रिकल सिमेट्री है इसकी। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या होगा, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, सपोज किया इस पॉइंट O से, इसकी डिस्टेंस को यानी कि डायमीटर जो सेम होगा ऊपर से नीचे की तरफ, तो इसकी रेडियस भी सब तरफ की होगी सेम। सपोज किया यहाँ से आर मीटर डिस्टेंस पर इसकी जो रेडियस है उस पर हमने एक पॉइंट P पर एक इमेजिनरी सर्फेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यहाँ पर एक इमेजिनरी सर्फेस। अब ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट को हमने पी कंसीडर किया, तो इस पॉइंट पी से जो है ना आउटवर्ड फ्लक्स निकलेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ होगी, आउटवर्ड होगी। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है आउटवर्ड की तरफ जाता है, और हम जानते हैं किसी भी सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। ठीक है, सपोज कर लिया हमने यहाँ पर डी ए स्मॉल एलिमेंट लिया इसका ए, और ये इसका पूरा एरिया ले लिया हमने। ठीक है, इस तरह से बना हुआ है। क्लियर, अगर हम एक पॉइंट यहाँ भी कंसीडर कर लेते हैं सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो देखिए इस पॉइंट पर जो फ्लक्स होगा वो किस तरफ निकलेगा, आउटवर्ड जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ होगी इसकी, इस तरफ होगी। अच्छा, इस सरफेस का परपेंडिकुलर किधर की तरफ है, इस तरफ है, तो ये इसका एरियल वेक्टर डी ए हो गया। ठीक है, अब देखिए इधर सपोज करते हैं, इधर भी हमने कोई सिलेंडर कंसीडर कर लिया, इमेजिनरी पॉइंट बनाया, तो इसका ये क्या हो गया, एरियल वेक्टर डी ए आउटवर्ड तरफ होता है हमेशा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ होगी, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड होगी। ठीक है, अब देखिए इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा कितना होगा, फाई इज इक्वल टू
यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू फाई इक्वल टू कितना होगा, फाई इक्वल टू होता है हमारा ई डॉट डी ए, या ई ए ले सकते हैं, ठीक है, हम स्मॉल एलिमेंट के लिए ले रहे हैं। अब डॉट प्रोडक्ट जब रिप्लेस करते हैं तो कितना हो जाता है, फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब जरा चलते हैं इंपॉर्टेंट की तरफ, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल गया है इसके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर एंगल कितना है 90 डिग्री। अब देखिए कॉस 90 यानी कि जो इसके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो। इस सरफेस पर फ्लक्स कितना निकलेगा, जीरो, ठीक है, और इस सरफेस पर फ्लक्स कितना होगा, यहाँ भी फ्लक्स होगा जीरो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये दोनों एक दूसरे के लीनियर है या पैरेलल है, तो इनके बीच में यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है, जीरो डिग्री का, ठीक है, और कॉस जीरो इज इक्वल टू कितना होता है, वन। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकलेगा पॉइंट पी पर वो कितना होगा, फाइव पी इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस जीरो की वैल्यू, वो भी वन, तो ये हो जाएगा ई डी ए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, ये एप्लीकेशन किसकी है, गॉस थ्योरम की है, तो यहाँ पर गॉस थ्योरम भी एप्लीकेबल होंगी, ठीक है, तो बाई गॉस थ्योरम, बाई गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम भी क्या होती है फ्लक्स के बारे में, यानी कि फाइव पी इज इक्वल टू कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, यानी कि ये इसको इक्वेशन वन कंसीडर किया, इसको इक्वेशन टू कंसीडर किया, क्लियर हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, इस फाइव पी और इस फाइव पी को जब हम इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा हमारा ई डी ए, क्लियर, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो इक्वेशन थर्ड हमने बनाई है, ये थर्ड इक्वेशन, अब ये थर्ड इक्वेशन के अंदर इस एंगल वेक्टर को हमें चेंज करना है, तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं ये सिलेंडर की जो लेंथ है वो कितनी कंसीडर की हमने, एल लेंथ है, सिलेंडर की लेंथ कितनी है, एल, ठीक है, तो डी ए, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर बाई गॉस थ्योरम को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। इसको देखिए इक्वेशन थ्री को, इक्वेशन थ्री क्या कहेगी, यानी कि इक्वेशन थ्री के अंदर हम इस लीनियर चार्ज इसको यहाँ से बनाते हैं, तो यहाँ से अगर बनाएंगे तो क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा एल। अब देखिए क्यू और कर्व सरफेस एरिया के वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, तो जैसे ही क्यू की जगह पुट करेंगे तो कितना रखेंगे, लैम्डा एल, ठीक है, और ये कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट। ई डी ए, डी ए की जगह कितना रख देंगे, ट्वाइस पाई आर एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया, ई डॉट ट्वाइस पाई आर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, लैम्डा अपॉन ट्वाइस पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या है, एक मैग्नीट्यूड आया इसका, क्या आया इसका, ये मैग्नीट्यूड। अब अगर इसको हमें डायरेक्शन की फॉर्म में दिखाना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेक्टर ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ट्वाइस पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, यहाँ पर एक आर कैप और लगा दो, यूनिट वेक्टर, ठीक है। जैसे ही यूनिट वेक्टर लगाएंगे तो इसका डायरेक्शनल और ये सब चीजें निकल के यहाँ पर ये हो जाएगा वेक्टर आर और ये नीचे का हो जाएगा आर स्क्वायर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और अगर रेडियस के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और रेडियस के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डी ले लिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा लिया और ये हमने इसका डिस्टेंस आर दिखा दिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए इस क्या हो जाएगी, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई वन अपॉन आर के, और वन अपॉन आर का कोई अगर ग्राफ आता है तो किसी भी चीज के बीच में लेंगे, जब हम इसका ग्राफ आएगा तो इस तरह से आएगा, इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर यह पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर इस तरह से हो जाएगी, यानी नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जाने लगेगा, ठीक है, तो ये माइनस वाला हो गया और ये प्लस इंडिकेट करेगा, क्लियर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए, तो अब जो टॉपिक देखेंगे, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज वायर ले लिया हमने, वायर के ऊपर चार्ज फैला दिया गया था, ठीक है। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज शीट लेंगे, कि एक शीट होगी जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, कोई शीट है तो शीट के ऊपर ना पूरे सरफेस पर आ जाएगा चार्ज, तो यहाँ पर क्या होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्लियर, इतना समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ओके, ठीक है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज शीट, ड्यू टू अ शीट, ठीक है, उसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे या जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जैसा भी होगा उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी निकल के आएगी, ठीक है। यानी कि ड्यू टू अ स्टेट वायर है, आप ले लेंगे एक शीट, ड्यू टू अ शीट, क्लियर, ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब देखिए क्या करते हैं, इसके अंदर हमने एक शीट लिया चार्ज, सपोज कर लीजिए यहाँ पर हमने एक शीट बना ली, ठीक है, क्लियर हो गया, इसके ऊपर क्या
एक तरह से पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज होगा तो उसकी डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड है, ठीक। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इस तरह से चार्ज को हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक गॉसियन सरफेस बनेगा यहाँ भी, ठीक है, क्लियर। ये हमने एक चार्ज शीट बना ली इस तरह से, ठीक है। इसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पर क्या होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को किससे प्रोजेक्ट करते हैं, सिग्मा से। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक। अब यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस हमने इस तरह से बना लिया, ठीक है, ये कोई गॉसियन सरफेस हमारा बन गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक तो इस तरफ आ रही होगी शीट के और एक इनवर्ड जा रही होगी, तो हम इसको इस तरह से दिखाएंगे, यहाँ से आर मीटर डिस्टेंस पर देखिए पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी चीज यूनिफॉर्म है, तो जितना फ्लक्स आउटवर्ड होगा उतना ही फ्लक्स इनवर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक सिमिलर डिस्टेंस पर एक और हमने लिया, यहाँ पर एक आर डिस्टेंस और ले लेते हैं, यहाँ से भी डिस्टेंस आर होगी और यहाँ से भी डिस्टेंस आर होगी, ठीक है। यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस इस तरह से ही बन गया, क्लियर, इमेजिनरी है। अब यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर करेंगे और एक पॉइंट हमने यहाँ पर कंसीडर कर दिया, क्लियर, ठीक है। अब इस पॉइंट को हमने सब नाम दिया इसको P और इसको नाम देते हैं P डैश। सपोज कर ले ये दो पॉइंट है कोई, हमने कर लिए, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो कैसी होगी, आउटवर्ड होगी, ठीक है। और एरियल वेक्टर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सपोज कर लिया हमने DA और इसका एरिया हमने ले लिया A, क्लियर। इसी तरीके से जब इस वाले पॉइंट P डैश पर निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आउटवर्ड आएगी, ठीक है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E और यहाँ पर इसका एरियल वेक्टर कितना होगा, क्लियर। अब देखिए इसमें जो फ्लक्स आउटवर्ड होगा वो दो सरफेस से होगा, एक तो इस पर इस वाले सरफेस पी से और इस बार पी से पी डैश है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहां पर, सबसे पहले हमने कंसीडर किया टोटल फ्लक्स कितना होगा, फाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा फाई टी इक्वल टू फाई पी प्लस फाई पी डैश, इन दो पॉइंट से निकलेगा। अच्छा, जितना इस पॉइंट से निकलेगा उतना ही उस पॉइंट से निकलेगा, क्यों निकलेगा, क्योंकि दोनों के डिस्टेंस सेम है और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, इलेक्ट्रिक इसका सेम है, ठीक है। यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से हमने कंसीडर किया फाइव पी इक्वल टू हो जाएगा फाइव पी डैश, तो फाइव टोटल कितना हो गया, ट्वाइस फाइव पी, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, तो फाइव टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस ई डी ए, क्लियर। अब बाय गॉस थ्योरम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इक्वेशन वन कर लिया, इसको इक्वेशन टू कर लेते हैं बाय गॉस थ्योरम। अब जब हम गॉस थ्योरम इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो गॉस थ्योरम क्या होती है, यानी गॉस थ्योरम हो जाएगी फाइव टी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर इतना। अब इन दोनों क्वेश्चन को हम इक्वल कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लिखता हूँ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ट्वाइस ई डी ए, क्लियर, डॉट हटा देते हैं। अब देखिए इसके ऊपर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन डी ए, ठीक है, या डी क्यू ले लेते हैं यहाँ पर। तो इस क्यू की जगह जब हम रिप्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा डी ए, इसको उठाया इसके अंदर हमने पुट कर दिया, यानी कि सिग्मा डी ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ई डी ए, डी ए से डी ए कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो गई, सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। अगर इसको हम ये क्या है मैग्नीट्यूड आया, और इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट इनटू आर क्यू, ठीक है। यहां तक हो गया हमारे दो पॉइंट हमने कंसीडर कर लिए, ठीक है। अब वो जो इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनता है यहां पर क्या देगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा, दो फॉर्मूले हमने निकाले हैं इसके, एक तो हमारा आया ई इज इक्वल टू न्यूमेरिकल देख लेते हैं छोटे छोटे से, ठीक है। यानी कि सपोज कीजिए कोई एक वायर लिया उसने और वायर से आर मीटर कुछ डिस्टेंस दे दी, सपोज कि इस वायर की जो डिस्टेंस है पहली वो दिया है 2 सेंटीमीटर, कितना डिस्टेंस दिया है 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, यानी कि वायर की जो लेंथ है लेंथ दे देगा, लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, सपोज कर लिया उसने 4 सेंटीमीटर दे दिया लेंथ, ठीक है, या 4 सेंटीमीटर का लेंथ है, नहीं 4 को छोड़ दो, यानी कि यहाँ पर कर लो तुम 2 मीटर, क्लियर। तो कहता हूँ कि एक स्ट्रेट वायर है जिसकी सरफेस यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दी है इसकी 2 कूलम पर मीटर, ठीक है।
ये इसका लैम्डा इक्वल टू कितना होता है क्यू अपॉन एल, तो ये क्यों होगा क्यू अपॉन एल, ठीक है। यानी कि 2 मीटर लेंथ पर 2 कूलम का चार्ज है, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है। अब पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, और वी नो दैट 1/4πε0 कितना होता है 9×10⁻⁹ होता है, ठीक है। अब 1/4πε0 का यूनिट निकालना है तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इस तरह से है कि कोई वायर है, अब वायर से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पर कोई ये डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, कह रहा है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है हमको यहाँ पर, क्योंकि वायर जो है लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है E इज इक्वल टू 1/2πε0 लैम्डा अपॉन आर, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए हमें 1/4πε0 का तो मान पता होता है कितना दी और किसकी वैल्यू इतनी होती है, दूसरा 1/2πε0 की वैल्यू नहीं पता होती है, तो हम इस फॉर्मूले के अंदर क्या करेंगे 2 का मल्टीपल अपनी तरफ से कर देंगे और 2 का डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 ट्वाइस लैम्डा अपॉन आर। अब कह रहा है सीधा सीधा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल देनी है, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, आर 2 सेंटीमीटर में, तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो आर कितना हो जाएगा हमारा मीटर में जब चेंज करेंगे तो आर इसका टू हो जाएगा 2×10⁻²। इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी, तो यहाँ पर सीधा सीधा हम कैलकुलेशन करेंगे 9×10⁻9 इसकी वैल्यू रखी 2×λ, अब लैम्डा हमारा कितना है 2 सेंटीमीटर यानी 2, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है हमारी 2×10⁻², 2×10⁻², तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 9 18 हो गया, 18 पावर ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, यानी 9 और 2 कितना हो गया 11, और अगर एक पॉइंट और लगा देते हैं तो 1.2×10⁻½ न्यूटन पर कूलम, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अभी हमारी स्टेट वायर के ऊपर, ठीक है। वहां पर क्या करेगा, वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी दे देगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी उसने कुछ भी दे दी, E इज इक्वल टू फॉर्मूला कितना आया था हमारा, कोई चार्ज शीट थी उसके ऊपर फॉर्मूला हमारा ये था E इज इक्वल टू σ/2πε0, ठीक है। तो इसमें हमें εr की वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी होती है, 8.85×10⁻², ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। अब देखते हैं कि कोई शीट है उसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी दे देगा, ठीक है, शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दी उसने, ठीक, यानी कि सिग्मा की वैल्यू दे रहा है 8 μ/m², ठीक है। और पूछता है कि शीट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, E की वैल्यू दे रहा है, ठीक है, और वी नो दैट εr इज इक्वल टू कितना होता है 8.85×10⁻½, ठीक है, ये होता है εr की वैल्यू। अब εr को उधर लेके जाएंगे ऊपर की तरफ तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है हमको, अब इसमें तुम्हें घुमाने के लिए कुछ भी दे सकता है, आर की वैल्यू दे दे यहाँ पर कि आर दे दे 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर था, तो आर पर तो ये डिपेंड नहीं करेगी यहाँ पर, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, E इज इक्वल टू σ/2πε0 लगा देंगे सीधा सीधा, माइक्रो कूलम को अगर चेंज करना चाहते हो कूलम में तो 8×10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा फिर ये, ठीक है, क्योंकि 1 μ/m में भी इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁶, ठीक है। E इज इक्वल टू कितना हो गया σ/2πε0, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी थी उसने 8 μ/m, 8×10⁻⁶ अपॉन ट्वाइस εr 1. कितना होता है 8.85×10⁻½, ठीक है, 2 × 2 = 4, ठीक है, और 10⁻½ को ऊपर लेके जाएंगे तो फाइव हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, यानी कि ये हो गया 4 8.85×10⁻½ प्लस की, और प्लस की 12 में से 6 जाएगा माइनस का तो 10⁻⁶ बच जाएगा, ठीक है। आंसर हम चाहें इतना ही छोड़ दें या फिर और कैलकुलेट कर लें, क्लियर हो गया। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वो वीडियो होगी हमारी एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है हमको।